तो नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे कि एक जज की सैलरी कितनी होती है। आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी दी जाएगी, तो आप इस वीडियो से आखिर तक जुड़े रहिए। हम आपको बताएंगे कि जज की सैलरी किस प्रकार से होती है, तो आप हमारे इस वीडियो से जुड़े रहिए। दोस्तों, अगर आप भी जज बनना चाहते हैं तो आप सबसे पहले इसकी सैलरी के बारे में जानकारी लेना चाहते होंगे। हम आपको इस वीडियो में यह सभी जानकारी पॉइंट टू पॉइंट देने जा रहे हैं कि एक जज को किस तरह से वेतन दिया जाता है। तो दोस्तों, आइए जान लेते हैं जज की सैलरी के बारे में और इन्हें कौन कौन से भत्ते दिए जाते हैं। आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी दी जाएगी, तो वीडियो से आखिर तक जुड़े रहिए। चलते हैं दोस्तों वीडियो के नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो आइए चलिए दोस्तों जान लेते हैं कि जज में कई प्रकार के जज होते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डिस्ट्रिक्ट जज यानी कि जिला न्यायाधीश न्यायालय के जज की। तो दोस्तों, आपको इनकी सैलरी के बारे में बता देते हैं। सबसे पहले आते हैं जिला न्यायालय के जज। हर जिले में एक न्यायालय होता है और उसमें एक न्यायाधीश बैठते हैं। देश के है न्यायाधीश की सबसे छोटी इकाई है और इसके बाद लोग आगे बढ़कर हाईकोर्ट तक जाते हैं। सैलरी की बात करें तो एक डिस्ट्रिक्ट जज को 1,00,000 प्रति महीने से ज़्यादा की सैलरी दी जाती है। शुरुआती सैलरी कम और अनुभव बढ़ने के साथ साथ 3 साल में फिर या 5 साल बाद सैलरी में बढ़ोतरी होती है। सैलरी के अलावा डिस्ट्रिक्ट जज को सरकार की तरफ से कई सुविधाएं मिलती हैं, जैसे जिले में पोस्टेड और उस जिले में रहने के लिए सरकार की तरफ से घर और आवागमन के लिए गाड़ी भी दी जाती है। दोस्तों, आपको हमारे द्वारा बताई गई जानकारी कैसी लगी? जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, वीडियो को लेकर कोई सवाल है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आई होप दोस्तों वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू दोस्तों वॉचिंग फॉर वीडियो।